नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आईबी का टायर टू का रिजल्ट आ चुका है, ज़रूर देख लीजिए। इसका वीडियो मैं टेलीग्राम में भी दे दूंगा, आप ज़रूर चेक कर सकते हो इसके वेबसाइट में भी। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है हमारे चैनल से टायर वन में टायर टू में, तो ज़रूर मुझे लिख दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका हुआ है, या जिनका नहीं हुआ है, ठीक है यार, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, इससे बड़ी बात नहीं है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव जो हुआ था 15-10 को हुआ था, और आपका टायर टू एग्ज़ाम जो सब्जेक्टिव में था वो 25-2 फरवरी को हुआ था। अभी रिजल्ट आया है और इसका जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड है आप देख सकते हो, 28 से स्टार्ट होगा, तो ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ता ये चलता है यूजुअली। जो आपका कॉल लेटर से इंटरव्यू का, वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में चले जाएंगे, तो ज़रूर चेक कर लेना। और आपको क्या होगा, अटेंडिंग द इंटरव्यू ऑल कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड है टू लॉगिंग इन द वेबसाइट, आपको जाना है यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड देके। आपको एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, और आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक जगह आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पर आपको रेसिडेंस दिया हुआ है वहाँ पर आपको पूछा गया आप जो है 1 साल से ज़्यादा लास्ट 5 ईयर्स में कहीं पर रहे हैं। अगर नहीं रहे हैं तो फ्रॉम द आप जहाँ पर भी रखे हों, सपोज आप कोलकाता है या आप दिल्ली में है, तो आप फ्रॉम दैट डेट कोई भी एक इनिशियल डेट दे दो 5 साल से पहले, या फ्रॉम बर्थ टू टिल डेट आप दे सकते हो, नहीं तो आपको वो लेगा नहीं, ठीक है। तो ये देखो जितने भी हैं नाम यहाँ पे रोल नंबर वाइज दिया हुआ है, आप ज़रूर चेक कर लेना। और इसके बाद हम लोग इंटरव्यू की बात करें, तो देखो इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसका एक वीडियो अपलोडेड है, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो ज़रूर देख लेना। उसके साथ मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी एंड टिप्स, अच्छा इंटरव्यू सेंटर में बता दूँ। देखो इंटरव्यू सेंटर आपका कहाँ पे होगा, दिशा दे इंटरव्यू सेंटर्स जो होंगे, जैसे मैंने कोलकाता में दिया था, आपके इतने इंटरव्यू सेंटर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे बता भी है, जो आपका फाइनल मेरिट होगा वह टायर वन टायर टू एंड इंटरव्यू मिला के होगा, तो इस सिर्फ आपका इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका सिलेक्शन, इसलिए डरिए मत। सबसे पहले आप चीज़ देख लीजिए, इंटरव्यू एकदम नॉर्मल सी है, जो आपकी एटीट्यूड देखती है, आपकी बिहेवियर हो गया, आपकी एटीट्यूड हो गया, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी बोलने की स्टाइल, आपका आप कैसे टेंशन को हैंडल कर सकते हो, प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, दीस आर द थिंग्स आपको जो है डिटरमाइन होता है। तो एक कैटेगरी में मार्क्स नहीं रहता यार, बहुत सारे कैटेगरीज है। आपकी ड्रेस सेंस में आपके मार्क्स होगा, आपके एकेडमिक्स आप कैसे थे उसमें मार्क्स होता है, आप जवाब कैसे दे रहे हो उसके ऊपर मार्क्स रहता है, आपका कौन सा आंसर दे रहे हो ठीक से, आपका नॉलेज कितना है उसके ऊपर आंसर दिया रहता है। फिर आप बहुत सारे कैटेगरीज है जहाँ पर आपका मार्क्स डिटरमाइन होता है। ये नहीं मैं आप कोई भी आंसर नहीं दे पाओ तो इसका मतलब आप पूरा फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट डिपेंड्स आप कैसा हो। तो मैं अपना इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस जो है वो आपको चार पांच, मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं वो मैंने 4-5 आपको दे दूंगा, सो दैट आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा इस। और एक चीज़ है देखो, तो देखो इंटरव्यू में बेसिकली आप अगर देखोगे तो ब्रॉस पर्सपेक्टिव में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको ज़रूर प्रिपरेशन करना है, आप आज ही से जो है इसका प्रिपरेशन कर लो। तो सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट मैं जो बोलूँगा आपको, आपने अगर ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट से या आपने मास्टर्स की है तो उसको थोड़ा सा आप ज़रूर रिवाइज कर लो, ठीक है। बिना प्रिपरेशन मत जाओ मेरे गाइस, आपको डेफिनेटली आपका ग्रेजुएशन या आपने मास्टर्स किया, जो भी आपका लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उससे आपको ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे भी कॉमर्स से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखो ये नहीं होता है कि आपको सब जानना है, आपको जो जानते हो आप जो नॉलेज है बेसिक आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए। आप अगर बेसिक नहीं आपको पता है तो आपको जो है उसमें मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। आपको बेसिक जरूर याद नहीं, ये नहीं आपको एकदम इनडेप्थ अभी सब आप 10 क्वेश्चन पूछ लिया आप 10 का आंसर दे दो, ये कुछ नहीं है। आप जो भी जानते हो लेकिन थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानना ही चाहिए, वो जरूर देख लो, रिवाइज कर लो, टाइम है आपके पास। अगर ऐसा कुछ हो जिस क्वेश्चंस में आप अटक जाओ तो डेफिनेटली आप उसको बोल दो, सर मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि ग्रेजुएशंस मेरा इतना दिन हो ही चुका है, मैं दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा था एंड ऑल दोज थिंग्स, आप बता सकते हो दिस आर द रीजंस, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो करना है, डेफिनेटली करेंट टॉपिक्स जरूर कर लेना, एंड करेंट टॉपिक्स इंटरनेशनल विद इंडिया जो भी है, जैसे डोकलम इशू हो गया, रोहिंग्या इशूज़ के ऊपर पूछ सकते हैं, तो कोई भी आपका जो इंडिया रिलेटेड है जो आपको आ सकता है, ठीक है, वो ज़रूर देख लेना। एंड करेंट अफेयर्स भी रिलेटेड कुछ भी आपको गवर्नमेंट स्कीम से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। और कहीं पे भी देखो पॉजिटिविटी रखना है, कोई भी आप रिप्लाई दो ज़रूर उसका पॉजिटिव रिप्लाई देना, नेगेटिव कहीं पे भी नहीं देना। एक आपको पूछ सकता है भैया आपका जो है आपका ओपिनियन बताओ, रोहिंग्या इशूज़ है या आपका डोकलम इशूज़ है, व्हाट यू थिंक, क्या करना चाहिए,
क्या है, तो ज़रूर ये थोड़ा से देख लेना। और ये गवर्नमेंट आने के बाद जो भी है क्या क्या पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं, तो जो भी है आप पॉजिटिव रिप्लाई ज़रूर देना, सबसे बड़ी बात है। कोई भी स्कीम्स आपको पूछा जाए, भैया बताओ आपको जनधन योजना या डिमोटिवेशन या कोई भी है, आपको क्या है, आपका ओपिनियन में ये क्या था, कैसा था, जो भी है, आप ज़रूर जिसका पॉजिटिव रिप्लाई देना, सबसे बड़ी बात। करंट अफेयर्स ज़रूर देख लेना, 3-4-5 महीने के जो भी है करंट अफेयर्स ज़रूर देख लेना। उसके बाद थर्ड नंबर में हम लोग आए, तो आप हॉबी ज़रूर कर लेना, ठीक है। हॉबी से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे और देना ही हॉबी ज़रूर है। आप अगर हॉबी नहीं दोगे इसमें क्या होगा, आप देखो सबके लिए अलॉटेड टाइम है, अगर आप हॉबी नहीं देते हो, कुछ नहीं देते हो, तो उसमें क्या होगा, आपका जो मार्क्स होगा, आपका जो टाइम होगा, वो दूसरे सेक्शन में आपको पूछा जाएगा जहाँ पर आपका नॉलेज अगर नहीं हो। तो हॉबी ऐसा दो जो आपको नॉलेज है, या नहीं भी है आपका हॉबी कुछ ऐसा नहीं है, तो आप उसमें जो है रिसर्च कर लो, गूगल में अभी सभी कुछ डेटा अवेलेबल है, आप उसका एक नॉलेज बना लो, एक उसको पूरा पढ़ लो अच्छा से क्या आपका होता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जैसे मैं हमेशा हॉबी मुझे मैं देता था कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी ब्लड ग्रुप्स हैं उनका, तो इसमें क्या होता था, इसमें फ़ायदा, देखो ये क्यों हॉबी है, क्योंकि मैं जो भी नाम एड्रेस जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनका कलेक्ट करके एक डेटा बनाता था, सो दैट इट विल हेल्प दोज जो इन नीड में हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिविटी एक होता था, क्या भैया चलो एक तो है आपका इन्फॉर्मेशन, आप किसी को हेल्प कर सकते हो, कुछ इंसिडेंट्स बोल सकते हो। जैसे मैंने बहुत बार इंटरव्यू में ये मुझे पूछा गया था आप क्यों करते हो, तो मैंने इंसिडेंट्स बताया, जे मेरा एक फ्रेंड का ऐसा हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो ऑल ऑफ अ सडन ब्लड रिक्वायरमेंट थी, तो वो रेडिस्ट भी नेगेटिव था, तो मैंने उनको दे दिया, मेरे पास लिस्ट था तो ब्लड मिल गया, तो दिस विल गिव अ गुड पॉजिटिव एक फीडबैक, आपका एक मैसेज आते हैं जो भी इंटरव्यूअर्स होंगे वो। और हॉबी ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट में आपको जो है हॉबी में रिसर्च ज़रूर कर लेना, ऐसा नहीं आपको कुछ आपने क्रिकेट डाल दिया भैया आपको कुछ क्या है कुछ नहीं आपको पता है, गली क्या है, LBW क्या है, तो कुछ आपको नहीं पता है, तो आप फिर वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो है आप जिस स्टेट में रहते हो वो ज़रूर आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेना, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जैसे मैं कैलकाटा में रहता हूँ तो मुझे कैलकाटा जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो मुझे पता होना चाहिए, सर चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जो भी है, ये कैपिटल कब तक था, 1911 तक कैपिटल था, तो वो जो भी थोड़ा बहुत वो पोर्शंस आ सकता है। जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसके भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड CM गवर्नर जो भी है अभी जो प्रेजेंट अभी सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, जो भी इलेक्शन अभी जहाँ जहाँ पे रिजल्ट आया है, तो सभी आपको जो है करंट अफेयर्स में ये कवर अप होता है, उसको भी कवर अप कर लेना, स्टेट से अच्छा से इन्फॉर्मेशन ले लेना, क्या आपकी इंपॉर्टेंट कुछ आपको पूछ सकते, बताओ आपका स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा चीज़ आप जो जानते हो, तो यहाँ पे आपको अगर आंसर आप नहीं दे पाओगे तो फिर बताओ, सोचो आप जहाँ पे रहते हो उसके आपके इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये ज़रूर कर लेना। उसके बाद जो है ये ज़रूर मैं फिफ्थ में आपको ज़रूर बताऊंगा, फिफ्थ में आपके ड्रेस सेंस बहुत ही सोवर होना चाहिए, ये नहीं आपने बहुत ही कलरफुल कुछ ड्रेस पहन के गया, या आप जो है फॉर्मल पहन के जाओ, पैंट शर्ट एंड जो लेडी हैं वो डेफिनेटली सलवार पहन सकते हो, साड़ी पहन सकते हो, जो भी आप सोवर ड्रेसिंग करके जाओ, बाल कंघी उंगी करके जाना, एकदम जो है एकदम नहीं ऑयली भी मत लगाना, एकदम शैम्पू भी मत करना जो पूरा आपके बाल जो है आपके मुँह पे आए, तो एकदम डिसेंसी मेंटेन करके जाना जिसमें आप डिसेंट रहो। टाई भी पहनना मैंडेटरी नहीं है, जूते में लेस वाला पहनना वो भी मैंडेटरी नहीं है, आप टाई पहन सकते हो नहीं भी पहन सकते हो, मैंने कभी नहीं पहना टाई। जूते जो है आप नॉर्मली पहनो, जैसे ब्लैक ऑलवेज अच्छा जो है उसे ब्लैक पहन लो, लेस लगाओ नहीं लगाओ कोई उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। और एक चीज़ है बेल्ट जो इन करके ज़रूर जाना, ये नहीं आपने पूरा शर्ट जो है खोल के चले गए, वो भी नहीं, इन करके जाना है। और जो चीज़ है आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो, आप पहले एंटर करोगे परमिशन लेके, मैं कम इन बोल के, आज जब आप जाओगे अगर देखोगे कोई यूजुअली 5 मेंबर की होती है इंटरव्यू पैनल, अगर आप देखोगे कोई लेडी है तो पहले उसको जो है आपको देना है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी टाइम आपका हो उसको बताना है, उसके बाद जो है सर्स को आपको जो भी मेल रहेंगे उनको आपको विश करना है, परमिशन लेके बैठना है, बैठोगे एक फाइल लेके जाओगे, सीधा बैठोगे, स्ट्रेट एकदम बैठोगे, ना झुक के बैठोगे ना एकदम रिलैक्स, एकदम जस्ट स्ट्रेट आप बैठना है, एंड जो आप बताओगे जो क्वेश्चन करेंगे उसका आई कांटेक्ट करना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई कांटेक्ट, आप जो भी बताओगे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनसे बात हो उनका, आपको आपकी बॉडी मूव नहीं करना है, आपको हेड मूव कराना है, ठीक है, आप हेड मूव करा के उनको एकदम आई कांटेक्ट में जाके आंसर देना है, सर येस आई नो दिस, आपको जो भी ये पता है नहीं जो आप आंसर दे दो, अगर नहीं पता हो सर आई डोंट नो
या आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, एकदम आपको सोचना नहीं है अच्छा सर ये होगा वो होगा, एंड जिस टोन में आपने पॉजिटिविटी के साथ विथ कॉन्फिडेंस के साथ आपने आंसर दिया था उसी टोन में आपको रिप्लाई करना है, सर आई डोंट नो, आपने जो है एक आपका टोन अलग था जब आंसर दे रहे हो, आज जो नहीं दे पा रहे हो आप गिल्टी फील कर रहे हो, सॉरी फील, क्या यार नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गलत है गलत है, भूल गया उसमें क्या बड़ी बात है, आपके नॉलेज के लिए ही इंटरव्यू नहीं है, तो ये ज़रूर एकदम दे देना, वो डिटरमाइन करते हैं आपके एटीट्यूड क्या है, आप आंसर देना या नहीं देने का एटीट्यूड क्या है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपको चीज़ क्या है, आपको जो जब आप रिप्लाई करोगे एकदम लैंग्वेज, बहुत बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लैंग्वेज क्या होना, देखो हिंदी इंग्लिश कोई भी आप जिसमें अच्छे से आपको खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे आप उसी में देना, ठीक है। मैं बहुत बार क्योंकि मेरा फ्लुएंसी उतना अच्छा नहीं था, मैं जब करता था तो मैं कभी कभी हिंदी में स्टार्ट करता था, दो आई एम फ्रॉम बंगाली बैकग्राउंड, मुझे भी हिंदी उतना, लेकिन मैं इंग्लिश के साथ हिंदी भी बोलना स्टार्ट करता क्योंकि मुझे मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है BPO जॉब नहीं है जो आपको एकदम उसके एसेंट आना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आना चाहिए, वो टोन अच्छा आना चाहिए जो आप BPO जॉब के लिए करो, तो दिस इज नॉट अ BPO जॉब, यू आर गोइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, तो आपका जो है आप एक्सप्रेस अच्छा से कर पाओ, प्रेशर हैंडल कर पाओ, ये जरूर देना। और एक चीज गाइस, बहुत सारे होते हैं जो आप कोई भी सिचुएशन के लिए तैयार होकर जाओ, ये मत सोचो मैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू भी एक्सपीरियंस आपको दे दूंगा जहां पे आपको कोई भी एडवर्स सिचुएशन, ये नहीं आपको जो पहले अच्छे से बोला जाएगा भैया बताओ कहां से रहने वाले हो क्या है, ऐसा कुछ नहीं भी आपको मिल सकता है, मैक्सिमम जगह पे यही मिलता है, आपको बैठा जाएगा पूछेगा भैया आप बताओ कहाँ से आप घर कहाँ हैं कहाँ पे रहते हो, सो आपको रिलैक्स किया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको पूछा भी जाएगा भैया आप कहाँ से फेवरेट है। अच्छा और एक अच्छा इंपॉर्टेंट मुझे याद आया, जो वर्किंग्स हैं जो काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना काम जो है वो ज़रूर दिखाना, इसमें बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे मैंने जो अभी जो WO का मैं पोस्ट में हूँ, इससे पहले मैं टैक्स असिस्टेंट था, तो मैंने उसमें जो आपका मैंने वर्क एक्सपीरियंस दिया तो मुझे अपने वर्क रिलेटेड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो एडवांटेज रहता है आपको, और कुछ ग्रेजुएशन उस समय नहीं जाएंगे, हॉबी में ज़्यादा नहीं करेंगे आपको, फिर वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो उसमें एडवांटेज बहुत मिल जाता है। तो ज़रूर आपका वर्क एक्सपीरियंस दिखाना, अगर आप प्राइवेट में भी हो या अगर आप इसमें भी हो, ठीक है, तो ज़रूर दिखा देना। प्राइवेट में तो NOC की ज़रूरत नहीं होती, गवर्नमेंट में भी NOC की ज़रूरत होती है, तो आप ज़रूर वर्क एक्सपीरियंस आ रहे हैं NOC ले लेना, कभी भी कोई भी है तो NOC ज़रूर मांगेंगे इंटरव्यू में, ठीक, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो ज़रूर दे देना। और कभी भी आंसर देना कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत देना, कोई छुपाना नहीं, कोई झूठ मत बोलना, क्योंकि वो बहुत ही हाईली वहाँ पे होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, आप उनका झूठ बोलोगे तो झूठ पकड़ा जाएगा, वो गलत मैसेज कन्वे हो जाएगा। नेगेटिव नहीं रहना है, झूठ नहीं बोलना है, जो आप हो आपको वही दिखाना है, ये आपसे खुद, आप 10-12 इंटरव्यू देख लिए, IAS IPS का इंटरव्यू देख लिए, किसी और का इंटरव्यू देख लिए, तो वो आप उसी से आप जो हो आपको वहीं पर डिपेक्ट करना है, आपको किसी का कॉपी नहीं करना है, आप ये ले लो हाँ भैया ये होता है ये पूछा जाता है, आप उसके बाद अपना हिसाब से बताओ, वहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, तो वो जरूर आप प्रिपेयर करके जाओ। दिस आर द थिंग्स मैं आपको बोल दिया, ये आप करो, और इंटरव्यू ऐसी चीज है जहां पे आपको एक दिन में नहीं, ये एटीट्यूड आपको दिन बर दिन करना होगा। और एक मैं सबसे अच्छा आपको टिप्स देना चाहूंगा, आप कभी भी इंटरव्यू करो तो आप आईने के सामने हो जाओ, क्वेश्चंस करो, आप खुद से आपको क्वेश्चंस करो, आप उसका आंसर मॉक ड्रिल जैसे होता है ना वो आप करते जाओ, तो इससे अच्छे फीडबैक होगा, नहीं तो दो दोस्त को बैठा दो भैया बताओ तो तुम पूछो, रैंडमली क्वेश्चन पूछो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट आने की ज़रूरत नहीं है, मॉक इंटरव्यू पैसा नहीं खर्च करना है, आप जस्ट किसी दो तीन दोस्त को बुला लो, घर के मेंबर को बुला लो, दीदी भाई बहन कोई भी है उनको बोलो, तो वो पूछेंगे, वो एक आपका मॉक ड्रिल हो जाएगा गाइस। तो दिस आर द स्ट्रैटेजी, ज़रूर कर लेना, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो आप गूगल कर लो, करंट अफेयर्स कर लो, सब्जेक्ट पढ़ लो, लेकिन प्रिपरेशन होके जाओ, बिना प्रिपरेशन होके मत जाना, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक जॉब है, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है, आप देश के लिए काम कर सकते हो। और हाँ ये भी पूछ सकते हैं आप IB में क्यों आना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसका आंसर यही होना चाहिए, सर मैं नेशन के लिए मेरे देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जो ये मुझे गवर्नमेंट जॉब में आके एंड IB में आके जहाँ मैं इंटेलिजेंस देके मेरे अपने डिफेंस सिस्टम को एंड मेरे जो है उसमें अच्छा मैं अपना दान दे सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, तो ये ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट पूछे सर मैं तो BTEC करता हूँ तो कोई मेरा ये क्वालिटी इंजीनियरिंग हो तो क्यों, या मैं कोई डॉक्टरी में था, कोई MBA किया हुआ था, तो एक ही बोलना है भाई देखो ठीक है चलो मैंने ये किया, मेरा तब वो एम था उस बनने में, बट कोई इंस्टेंसेस दे दो, सर मैंने ये किया था उसके बाद मुझे ये लगा जी नहीं मुझे ये करना चाहिए था, मुझे गवर्नमेंट जॉब करके मुझे देश की जो है खातिरदारी करना है, हेल्प करना है, उसको अच्छा जगह पर लेके जाना है, तो दिस आर द थिंग्स आप कहीं भी
चांसेस दे सकते हो। फिर आप ये भी बहुत सारे बोल सकते सर ये आप तुम यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो भी बोलो हाँ ठीक है उसे मैं और ग्राउंड लेवल तक जा सकता हूँ। तो दिस आर द थिंग्स जो है एकदम प्लान करके जाओ, दिमाग में रख के जाओ जो आप कर सकते हो प्रेडिक्ट। जो प्रेडिक्ट नहीं है तो अगर आए आए नहीं आए तो जस्ट सिंपली से आई डोंट रिमेंबर बस ख़त्म, लेकिन आंसर दे देना, उसमें सोचना नहीं है। अगर आप सोचोगे तो फिर आप अटक जाओगे, ठीक है, तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो चलो गाइस ये था पूरा टिप्स, और मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस का टिप्स दे दूंगा आपको, ज़रूर दे देना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक दो दिन में मेरा जो भी 5 या 6 शायद मुझे याद आ रहे हैं तो जो भी मैंने इंटरव्यू दिया था तो आपको दे दूंगा, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कैसे कैसे पूछते हैं। तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।